चैनल हेल्थ और ब्यूटी में, तो कल का मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग की थी O3 प्लस का जो ब्राइडल फेशियल किट है वो। तो आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यूएशन है ये वाला, तो वीडियो कंटिन्यूएशन के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक्चुअली प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप में कैसा है। मतलब लगा के इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा, पर इस वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगी कि इसका कंटिन्यूएशन मतलब कौन सा पैक पहले लगाना है, क्या क्या फॉर्म में है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इन डिटेल्स में प्रोडक्ट अगर आपको मैं समझा दूँ फिर भी आप खुद यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लगा के ही दिखाना पड़ेगा। मैं प्रोडक्ट आपको समझा देती हूँ तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो आपने देखा है तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा है जाके देखिए, क्योंकि ये उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। हो आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो अभी हम लोग ज़्यादा बकबक नहीं करके चलिए प्रोडक्ट में आपको दिखा देती हूँ, और आप लोग अगर परचेज करना चाहो और कैसे लगाना है अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं जो जैसे बता दूँगी ईजी वे में बता दूँगी, आप लोग सबको जाके अच्छे से लगा सकोगे। तो चलिए प्रोडक्ट में दिखा देती हूँ। ये पूरा का पूरा किट आ गया है, वो O3 का फेशियल किट जो जिसमें आपको पहले वीडियो में मैंने एक बार बोला था, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको इस पाउच में एक साथ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको क्लींजिंग डिटेन, वाइटनिंग टोनिंग मसाज क्रीम, वाइटनिंग सीरम और एक सीरम है यहाँ पे, एंड वाइटनिंग क्रीम SPF 30। वो चाहे रस में लगाओ या ना लगाओ, दैट्स डिपेंड्स अपन यू। और ये सब मास्क से, तो मैं आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे है Step 1 क्लींजिंग, क्लींस विथ वाइटनिंग क्लींजर फॉर 2-3 मिनट, 2 से 3 मिनट आपको क्लींजर को अपने फेस पे रब करना है। यहाँ पे देखिए 1-2 बोल के कुछ लिखा नहीं है, तो आप समझोगे कैसे कि कौन सा वाला क्लींजर है। तो हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, वहाँ पे ऊपर में जैसे कि पैक लिखा हुआ है या क्लींजर लिखा हुआ है, ये जगह पे जाके स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा वाला क्लींजर है। देखिए जैसे कि ये मसाज क्रीम है एंड इसमें लिखा है वाइटनिंग क्रीम, दैट मीन्स ये वाला है क्लींजर। अब देख लीजिए क्लींजर ऐसे फॉर्म में आएगा, ये वाइटनिंग क्लींजर है, तो Step 1 ये है। अगर आप चाहे तो डब्बे के ऊपर लगा के रख सकते हो Step 1, दैट मीन्स क्लींजर। सो आपको क्या करना है, आपको क्लींज करना है 2 से 3 मिनट तक अपने फेस को, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन आपका सेकेंड स्टेप है डिटेन, डिटेन मीन ब्रिस, तो आपका सेकेंड स्टेप है D10। तो D10 हम लोग फिर से यहाँ पे जाके पढ़ेंगे कहाँ पे D10 लिखा हुआ है। तो ये वाला में लिखा हुआ है D10। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। D10 पे क्या करना है, D10 पे करना है आपको D10 पैक लगाना है, 10 मिनट तक रखना है, आफ्टर 10 मिनट आपको इसको वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद है वाइटनिंग टॉनिक। तो Step 3 जो टॉनिक 3-8-5 पे देख पाएंगे, यहाँ पे 3-8 एंड Step 5 का ऑलरेडी दिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 3 नंबर जो है ये टोनिंग यहाँ पे है, Step 4 है वाइटनिंग मसाज क्रीम। अभी हमें जाना है वाइटनिंग मसाज क्रीम में, तो ये हो गया इसका वाइटनिंग मसाज क्रीम, तो ये हो गया आपका Step 4। में आ गया होगा क्लींजर, देन हम लोग क्या करेंगे, 10 यूज करेंगे, देन उसके बाद टोनिंग यूज करेंगे, देन मसाज क्रीम, उसके बाद हमें यूज करना है सीरम जो Step 5 में है, एंड हमारे पास पहले से हमको पता था Step 5 इस पे था। तो Step 5 तक हो गया ये कंप्लीट। तो आप लोग चाहे तो इस डब्बे में लिख के रख सकते हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा उस टाइम पे जब आप हड़बड़ी करते रहेंगे। फिर हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे लिखा हुआ ये बहुत ही टफ है, जिसे रबर फेशियल मास्क बोलते हैं, इसे हमें बनाना पड़ेगा। फेशियल पाउडर मास्क एक है एंड जेल मास्क एक है, इन दोनों को मिला के ये रबर मास्क हमें बनाना पड़ेगा। तो ये है पाउडर मास्क एंड ये है जेल मास्क, ये है पाउडर मास्क एंड ये है जेल मास्क, पाउडर मास्क एंड जेल मास्क, इन दोनों को लगा के साथ ही साथ लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मिक्स करें फॉर्म में पेस्ट एंड अप्लाई फॉर
10 टू 15 मिनट्स एंड उसके बाद पिल ऑफ कर दे, पर साथ ही साथ लगाना है गाइस, नहीं तो ये सूख जाएगा। हमें ये साथ ही साथ लगाना है, ठीक है। ये लगाते ही इसको जब हम लोग रिमूव कर देंगे, अगर इफ़ यू फील कि नाक में नहीं देना है मत दो, अगर आपको फील होता है कि आइस के ऊपर नहीं देना है मत दो, आइस ब्रोज में नहीं दो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो पिल करने में शायद आपको टफ हो सकता है, पर नहीं दो। उसके बाद है स्टेप 8, इसको उठाते ही हम लोग वहाँ पर सीरम से मसाज करेंगे, जो स्टेप 8 में आता है सीरम मसाज। तो सीरम मसाज हो गया। इसके बाद एब्यूटिन पाउडर जो है, ये है एबुटिन पाउडर मास्क। इसको क्या करना है, इसको पाउडर को निकालना है। पाउडर को निकालने के बाद 1:2 रेशी में, मतलब थोड़ा पानी देके इसको मिक्स करना है, देन फेस में लगा लेना है। फिर ये अब 10 मिनट्स तक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद जो वाइटनिंग SPF 30 का जो हमको क्रीम दिया है, वो हम लोग लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये प्रोडक्ट्स एंड इसका डिटेल्स समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप पार्ट 3 देख लीजिएगा मेरे वीडियो का। सो गाइस, मैंने ट्राई किया आप लोगों को फुल्ली डिटेल्स में बता दूं कि ये कैसे कैसे कैसा यूज़ करना है, क्या नहीं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी आप लोगों को। एंड फिर भी अगर आपको, मतलब इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू कमेंट्स मी, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैं फेशियल करूँगी, देन आपको पता चल। इसमें मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं हाथ में लगा के कुछ लगा रही हूँ, आपको नहीं दिख रहा है, पर ये मैं जब प्रोडक्ट के साथ दिखा रही हूँ कि ये है गाइस, ये है क्लींजर, ये है वो आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होता लाइक, तो अच्छा लगा होगा होता तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट्स करके बताएं, मैं उस प्रोडक्ट को परचेस करके उसको यूज़ करके देन आपको बोलूँगी इसका क्या डिफरेंसेस है, क्या बेनिफिट्स है। और ये वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, मैं लॉन्ग नहीं करना चाहती, तो ये इधर ख़त्म करती हूँ। सब्सक्राइब करके जाना गाइस एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। थैंक यू।